अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज शेख वाहब इफ्तिखार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज आपके लिए एक जबरदस्त किस्म का बैंड लेके आया हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सेल होने वाला, सबसे ज्यादा सेल होने वाला बैंड है शाओमी का मी बैंड 5। आप मी बैंड 4 से तो ज़रूर वाकिफ होंगे, वो पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा चला है और उसकी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। अब कुछ मेजर अपग्रेड्स के साथ शाओमी ने लॉन्च कर दिया है मी बैंड 5। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये बैंड कैसा है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है और मी बैंड 4 के अलावा इसमें क्या ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जिससे आपको इस पे अपग्रेड करना चाहिए। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं मी बैंड 5 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आज की वीडियो स्पॉन्सर की है और इन स्टोर ने उनका नंबर यहाँ लिखा आ रहा होगा, आप उनसे बाय कर सकते हैं कोई भी मोबाइल सेट्स और एसेसरीज। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप नए हैं तो, और चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो जी ये हमारे पास मौजूद है मी बैंड 5 का बॉक्स और इसकी मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या है। मल्टी स्पॉट मोड्स ट्रैकिंग, मैग्नेटिक चार्जिंग इसमें दी गई है, इसमें आपको क्रिडल उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि मी बैंड 4 पे आपको अपना क्रिडल उतार के उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता था। और मी बैंड 4 भी ऑलरेडी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ की वजह से ही बहुत ज़्यादा चला है और इसकी भी बैटरी लाइफ इन्होंने 14 डेज़ की क्लेम की है और अगर आप लो यूजेज के साथ यूज़ करें तो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा ये चल सकती है। 1.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, वाटर रेजिस्टेंट है अप टू 50 मीटर्स, हार्ट रेट और स्ट्रेस हार्ट रेट एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग इसमें दी गई है। और चलें इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है। सबसे ऊपर ये इसकी चार्जिंग केबल है जो चार्जिंग डॉक इन्होंने साथ दिया हुआ है और साथ ही मौजूद है मी बैंड 5 और अंदर इसके बुकलेट्स कुछ मौजूद हैं वो देख लेते हैं। ये इसकी यूज़र गाइड है और चलें इसको साइड पर रखते हैं और देखते हैं मी बैंड को ओपन करके। तो जी ये है मी बैंड 5 एक न्यू लुक के साथ। इसमें थोड़ी सी अपग्रेडेशन ये है कि ये आपको थोड़ा सा जो इसका डिस्प्ले है वो बाहर की साइड पे लगता है और बैंड जो है वो बैक साइड से इस तरह का है। यहाँ पे चार्जिंग डॉक्स दिए गए हैं जो कि चार्जिंग पिन के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पे कंटिन्यूस हार्ट मॉनिटरिंग करता है ये और साथ ही साथ इसको हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा ये पहले से ही ऑन हुआ हुआ है और अब इसको देख लेते हैं ये केबल इसकी कहाँ अटैच होती है। ये जी इसकी चार्जिंग केबल है और ये इस तरह यहां पे अटैच हो जाती है, मैग्नेटिक पिन्स हैं ये और ये इस तरह अटैच हो जाती है और आपको अब जरूरत नहीं है कि ये क्रीडल उतार के आपको अलग से चार्ज पे लगानी पड़े। ये मी बैंड 4 के निस्बत काफ़ी बेहतर चीज़ मुझे लगी है, लेकिन आपको इसको कैरी करना पड़ेगा साथ, वायर को अपने साथ कैरी ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको अपने फ़ोन के साथ अटैच कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं। तो जी ये हम इसको डिवाइस को ऐड करते हैं यहाँ पे बैंड। ये देखें ये मैसेज आ गया है कि आप पेयर विद फोन, तो आप यस करेंगे पेयर सक्सेसफुली। तो जी ये बैंड सक्सेसफुली पेयर्ड हो गया है। ये है इसकी स्किन और इसकी सबसे खास बात ये है जो दूसरी मेजर अपग्रेड है, आप इसमें विजेट्स वगैरह को उठा के चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये 1.1 इंच का OLED डिस्प्ले है जिसकी वजह से क्वालिटी बहुत बेहतर है और आप ये ऊपर मोर में जाके आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर म्यूजिक आप कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल के साथ और इसमें जो मोड्स मौजूद हैं, वर्कआउट मोड मौजूद है और वेदर ऐप मौजूद है। वेदर ऐप का बहुत अच्छा इंटरफेस दिया गया है, ये देखें आप कंप्लीट वेदर देख सकते हैं इसके अंदर। आज का लाहौर का 29 डिग्री और बारिश के चांसेस 83% हैं और टुमारो का ये, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इसमें वेदर ऐप दी गई है और मुझे इसकी स्क्रीन क्वालिटी भी काफ़ी पसंद आई है।
और ये आप रिमाइंडर इवेंट्स वगैरह के लगा सकते हैं, और साइकिल्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए इसमें काफ़ी एल्गोरिदम मौजूद हैं। स्ट्रेस भी डिटेक्ट कर सकता है आपके इस टाइम आप कितने स्ट्रेस में हैं, और इसको बाद में हम चेक भी करते हैं। और ये साथ नोटिफिकेशंस का आइकन मौजूद, फाइल पे आपको जो कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव होंगे चाहे वो किसी भी ऐप से रिलेटेड हो वो यहाँ पे आपको जरूर वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है इसमें, हार्ट बीट को मॉनिटर करता है, इसको भी अभी हम चेक करते हैं। और ये स्टैट्स हैं जो आपके मुख्तलिफ, आपने कितनी वॉक की है, कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, और ये वीकली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो जी ये बैंड जो है ये फाइनली मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया, और इसकी एक अपडेट आई हुई थी वो अपडेट भी हो गई है, और अब आप इसमें कुछ भी जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके बहुत सारे स्टाइल्स के वॉचेस के स्टाइल हैं जो आप कर सकते हैं, इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सी स्किन्स हैं जो आप कर सकते हैं। अब बहरहाल आप इसमें जितने भी चाहें ये वॉच फेसेस कर सकते हैं इंस्टॉल, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये काफ़ी सारे बैंड्स आते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होती जो इस रेंज के होते हैं, तो खुद पहन के चेक करते हैं कि ये किस तरह का लग रहा है बैंड। तो जी हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, चार्जिंग का साइन दे रहा है ये असल में, तो ये जी हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है इस टाइम। ये देखें इसने बताया हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट, और ये कंटिन्यूस कर रहा है 67 68, आप देख सकते हैं ये नीचे इसके लाइट जल रही है और ये कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर रहा है। तो मुझे ओवरऑल ये काफ़ी बेहतरीन बैंड लगा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, इसमें अच्छी फंक्शनैलिटीज़ दी गई हैं जो कि एक मी बैंड, जो कि एक बैंड में, स्मार्ट बैंड में होना ज़रूरी है। आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में, ये जब शुरू शुरू में आया है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव सेल हो रहा था 7 से 8 हज़ार का, लेकिन अब इसकी प्राइस जो हमारे पास है वो 6.5 हज़ार रुपये में आपको ये मिल सकता है। और जिसको भी बाय करना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से बाय कर सकता है। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मी बैंड 5 की, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप इसको जरूर कंसीडर करें, मुझे ये काफी बेहतरीन बैंड लगा है। हाँ जरूर ये बात है कि इसी प्राइस में आजकल आपको कुछ वॉचेस भी मिल रही हैं, लेकिन जो जिन लोगों को लाइट वेट और स्मॉल बैंड्स पसंद हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। हेलू की तरफ से कुछ घड़ियां हैं जो इसी प्राइस रेंज में बकायदा एक फुल फ्लैज वॉच की फेस वॉच की शक्ल में मौजूद हैं, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जिनको वो पसंद है वो ले सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।